पूरे एक तरह से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ चुकी है, जिसको लेकर तमाम लोग आज शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और उनके गांव पे देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लोग यहां भी बैठे हुए हैं जो सुबह से ही नेताजी के चाहने वाले लोग थे और नेताजी किन विचारों के थे देख सकते हैं। यहां तमाम लोग इस समय टीवी स्क्रीन पर बैठकर देख रहे हैं कि आखिर नेताजी का पार्थिव शरीर इस समय सैफई पहुँचने वाला है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, एक खुद में एक विचार थे, आज हम लोगों के बीच 8:16 पर अलविदा कह दिए। आज हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, जो कमज़ोर कार्यकर्ता थे, उनके लिए आज बहुत बुरा दिन है। नेताजी देश के हित में, नेताजी कार्यकर्ता के हित में, नेताजी पार्टी के हित में, नेताजी संविधान के हित में, नेताजी कमज़ोर के हित में, नेताजी अपने आप में एक बेमिसाल थे। और उनका जो विचार था हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए, बुनकरों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के हाथ में राजनीति जाए, नौजवानों को नौकरी मिले, नौजवानों को कारोबार मिले, इस सवाल पर हमेशा चिंतित रहते थे। चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, देश की लोकसभा हो, या कभी भी मौका मिलता था तो धरती धरती पुत्र का नाम दिया गया। और धरती पुत्र क्यों कहा जाता है, आखिर क्या उनके में ऐसी खास? नेताजी को धरती पुत्र इस नाते कहा जाता था कि नेताजी का जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे या ज़मीन से जुड़ा हुआ जो सवाल था, नेताजी के अलावा आज तक कोई नहीं उठाता था। मैं बहुत छोटा छोटा एक दो सवाल आपको बता दूँ। जैसे आप थाने में जो आपके चौकीदार रहते हैं, उनके ऊपर निगाह कभी किसी की गई होगी तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की। उर्दू भाषा जो सिर्फ चुनाव के वक्त में उसका इस्तेमाल होता था और चुनाव जो ही समाप्त हो जाता था वो एक बंद लिफाफे में बंद हो जाती थी, मगर मुलायम सिंह यादव जी ने उर्दू की भाषा को रोजी और रोटी से जोड़कर, जो हमारे मुस्लिम समाज के लड़के जो डिग्री लेके घूमते थे उनको कोई पूछता नहीं था, उनको थानों में, उनको डाकखानों में, उनको उर्दू अनुवादक के नाम पर उनको नौकरी देकर उनको ऐसी जगह बैठा दिया जिनके जिससे उनके परिवार का और उर्दू जबान का भी उत्थान हुआ। संस्कृत भाषा जो बिल्कुल मर रही थी, उसको कोई पूछ नहीं रहा था, उस भाषा को नेताजी ने अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने तुरंत उसने अपनी कलम से उसको मान्यता दे दी और उसके विद्यालय को एड में लेने का काम किया। चुंगी समाप्त करने जैसा मुद्दा विद्यालय में, चलिए तमाम मुद्दों की बात, लेकिन जाते जाते जो दो शब्द बस उनके लिए कुछ कह जाए। आज नेताजी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब इस देश में मुलायम सिंह यादव कोई पैदा नहीं हो सकता, मगर मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के बीच से आज चले गए, मगर उन्होंने इतना लंबा अपना विचार दे के गए हैं कि अगर हम लोग उनकी अलब जलाते रहें तो मुलायम सिंह यादव की मिसाल और मुलायम सिंह यादव का नाम और मुलायम सिंह यादव की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब तक हम लोग जिंदा रहें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी हम लोग मुलायम सिंह यादव का विचार देते रहें, समाजवाद का जिंदाबाद बोलते रहें, तभी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये थे नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अल्ताफ अंसारी जी थे, जो मऊ में सपा के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में तमाम लोग हैं मोबाइल इस समय देख रहे हैं और नेताजी की टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो इस समय सैफई पहुंचने वाले हैं और तमाम यहां पे लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। चलिए उनसे भी जानते हैं क्या आज नेताजी के लिए कुछ कह रहे हैं दो शब्द। आइए भैया एक और हैं और इनसे जानते हैं। भैया आज नेताजी नहीं रहे, क्या कहेंगे उनके लिए? नेताजी हम नौजवानों के नेता थे, दलित मुसलमान हर अल्पसंख्यक सभी जाति विशेष के नेता थे, सर्वधर्म को लेकर चलते थे, वो राजनीति में सबको जगह देते थे, सबको एक मंच पे सम्मान देते थे। नेताजी हमेशा हम सभी नौजवानों, छात्रों, किसानों, बुनकरों के दिलों में रहेंगे। नेताजी हमले के लिए जब सुबह आपको ये खबर जैसे ही टीवी स्क्रीन और तमाम तरह से मिली, क्या आपको ऐसा लगा कि आज हम लोगों के बीच से कोई ऐसा चला गया? जैसे सुबह हम लोग को सूचना मिली तो जैसे लगा कि हमारे परिवार का, हमारा परिवार ही था समाजवाद, और समाजवादी परिवार के एक योद्धा का अंत हो गया। हम लोग
नेताजी को अपने दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी हमेशा अमर रहेंगे हम सबके बीच में। तो ऐसे ही युवाओं के दिल में बसते थे नेताजी, और नेताजी को इसीलिए जो युवा हैं वो उन्हें धरती पुत्र कहते थे। और इस मोहल्ले में पूरे नेताजी को लेकर तमाम शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। चलिए और लोगों से मिलते हैं।